कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 का आगाज हो चुका है। 17 मई से शुरू हुए इस फेस्टिवल में इंडिया से भी कई सुपरस्टार्स ने रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा। दीपिका पादुकोण जहां जूरी मेंबर्स में शामिल हुई, वहीं आर माधवन, रिकी केज, वाणी त्रिपाठी, प्रसून जोशी, अनुराग ठाकुर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेखर कपूर ने भी 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को रिप्रेजेंट किया और 4 चांद लगाए। खुद इसकी तस्वीरें केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर शेयर की, जो अब चारों तरफ फैल गई। और ये फेस्टिवल इंडियन सिनेमा के लिए किसी जीत के जश्न से कम नहीं है, क्योंकि मार्चेड्यू फिल्म्स यानी कि कान फिल्म्स फेस्टिवल में इंडिया को पहली कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया। फेस्टिवल के शुरुआती इनॉग्रेशन के मौके पर ट्रेडिशनल आउटफिट में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बॉलीवुड हस्तियों के साथ जलवा बिखेरा। इसके अलावा ये फिल्म फेस्टिवल दीपिका के साथ साथ आर माधवन के लिए भी बेहद स्पेशल है। वो अपना डायरेक्शन डेब्यू बड़े पैमाने पर कर रही हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट का कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। इसी वजह से वो इस बड़े मंच पर भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अनुराग ठाकुर ने भी सभी कलाकारों के साथ फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ऐतिहासिक पल जब भारत को कांस फिल्म फेस्टिवल में पहला कंट्री ऑफ ऑनर मिला। अब वो ग्लोबल फिल्म मेकर्स के लिए कंटेंट हब और पसंदीदा पोस्ट प्रोडक्शन हब के तौर पर दुनिया के सामने आने के लिए तैयार है। आपको बता दें, आर माधवन की फिल्म जो इस फेस्टिवल में प्रीमियर हो रही है उसे एक्टर ने ही लिखा है और साथ ही साथ डायरेक्ट भी किया है और प्रोड्यूस भी खुद ही किया है। वो अपनी रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट की टीम के साथ 17 मई को कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंचे थे और इस फिल्म का प्रीमियर 19 मई को कांस फिल्म फेस्टिवल में किया जाएगा। और वाकई ये फिल्म सभी इंडियंस के लिए काफी गर्व की बात है।